पुलिस ने दो थानों में एमएनएस मुखिया राज ठाकरे के खिलाफ मामले दर्ज किए। टोल नाके पर तोड़फोड़ के लिए युवाओं को भड़काने का आरोप। मुंबई में टोल नाके पर तोड़फोड़ करने के आरोप में कई गिरफ्तार। कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा होगी कड़ी कार्यवाही। सत्यपाल सिंह ने कहा कि राज के भाषण की होगी जांच। तोड़फोड़ के लिए राज की पत्नी ने एमएनएस कार्यकर्ताओं का किया अभिनंदन। रिलायंस इंफ्रा ने बयान जारी करके संजय निरुपम के आरोपों को बताया गलत। कहा मुंबई में और तीन कंपनियां करती हैं बिजली की सप्लाई, निरुपम ने सिर्फ रिलायंस को बनाया निशाना। संजय निरुपम ने मांग की थी कि रिलायंस बिजली के बिल में कटौती करे, निरुपम ने इसके लिए चार दिन किया था अनशन। दिल्ली और मुंबई में गैंगरेप पर महाराष्ट्र महिला आयोग की सदस्य आशा मिर्गे का विवादास्पद बयान। कहा शाम को घर से निकलने की जरूरत क्या थी। या वयात सुद्धा आम्ही इतकं सावध राहतो, तुमच्यापैकी सगळ्यांनी किती सावध आहे। दुसरा प्रश्न, चुकून आपल्याला मजबुरीने आपल्या कामासाठी जावंही लागलं तर अलर्ट। मिर्गे का बयान, अपनी ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल की वजह से बलात्कार की घटनाओं को बुलावा दे रही हैं लड़कियां। मिर्गे ने दी चेतावनी, लड़कियों को अलर्ट रहने की है जरूरत। अत्याचार की घटनाओं में क्या रोल है ये खुद से पूछे। फ्लैट धीमी गति से बिकने के बाद भी मुंबई और उपनगरों में महंगाई से राहत नहीं, बढ़ रही है प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की दर। कुर्ला रेलवे स्टेशन पर लोकल में मिला एक बैग के अंदर 15 दिन का बच्चा, बच्चे को छोड़ने वाले की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक सीएसटी से बेलापुर जा रही लोकल के महिला कंपार्टमेंट में मिला बच्चा, नेल पॉलिश बेचने वाला बैग लेकर उतरा। बच्चे की कुर्ला के भाभा हॉस्पिटल में हुई जांच, डोंगरी के एक शिशु केंद्र में भेजा। आदर्श सोसाइटी के सदस्यों ने दी भूख हड़ताल पर जाने की धमकी, रक्षा मंत्रालय से अपनी आरटीआई का जवाब नहीं मिलने से नाराज। सदस्यों ने आरटीआई डालकर आदर्श की जमीन के मालिकाना हक को लेकर पूछा था सवाल, जानबूझकर जानकारी छुपाने का आरोप। दो अलग अलग मामलों में मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम ने स्मगलिंग किए जा रहे सोने को किया जब्त, सोने की कीमत 66 लाख रुपए। वित्त मंत्री चिदम्बरम ने भी कहा था नई ड्यूटी और आयात के कठिन होने से सोने की स्मगलिंग बढ़ी। कहा हर महीने 3000 किलो सोने की स्मगलिंग। रिजर्व बैंक ने फिर चौंकाया, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी, ईएमआई बढ़ने की आशंका। रेपो रेट बढ़कर 8% हुआ लेकिन कैश रिजर्व रेशियो में कोई बदलाव नहीं। रेपो रेट बढ़ाने पर गवर्नर रघुराम राजन की दलील, अर्थव्यवस्था अभी भी मुश्किलों से नहीं उभरी। सेट पर चोट लगने के बाद शाहरुख घर पर कर रहे हैं आराम, 30 जनवरी से शूटिंग पर लौटने की उम्मीद। हैप्पी न्यू ईयर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे शाहरुख, कार का गेट खोलते वक्त लगी थी चोट। अपनी फिल्म 1/2 का जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं अभय देओल, जांच लॉन्च की टी शर्ट्स। फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं अभय, अंदेशा जताया कि फिल्म का म्यूजिक देरी से लॉन्च होने पर फिल्म पर पड़ सकता है असर। इस शुक्रवार रिलीज हो रही है फिल्म। फिल्म 1/2 के म्यूजिक को लेकर अभय का टी सीरीज से था मध्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं शिप्रा शुक्ला।
टोल नाकों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी के लिए उकसाने के खिलाफ राज ठाकरे पर केस दर्ज हो चुका है। मामला पुणे के दो पुलिस थानों में दर्ज हुआ है। उन पर धारा 109 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। उधर राज ठाकरे की पत्नी प्रमिला ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं का खुला समर्थन किया और कहा कि वो नाकों पर तोड़फोड़ करने वाले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती है। टोल च्या आंदोलनात जे कार्यकर्ते सगळे सहभागी झाले त्यांचं सगळ्यांचं अभिनंदन करायला मी इथे आले। मला असं वाटतं की लोकांचं टोल भरताना जे दररोज नुकसान होत आहे आणि जे पैसे सरकारच्या खिशात न जाता या मंत्र्यांच्या खिशात जात आहेत ते नुकसान भरपाई खूप मोठी आहे, ती सरकारने आधी वसूल करावी, मग आमच्या नुकसान भरपाईचं बोला। पति के हुक्म की तामील हुई, टोल नाके तोड़े गए, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा, पत्नी खुश हुई। मेहनत की गाढ़ी कमाई जनता की जेब से टोल पर न कटे, इसलिए अर्धांगिनी ने अपने पति राज ठाकरे के न्याय को पूर्ण समर्थन दिया और कहा कि टोल का विरोध करने वाले एमएनएस नेताओं कार्यकर्ताओं का वो अभिनंदन करती है। लेकिन राज ठाकरे के जिस भाषण की वजह से टोल नाके तोड़े गए और शाब्दिक अभिनंदन हुआ, उस भाषण की जांच होने वाली है। राज्य के गृह मंत्री आरआर पाटिल ने कहा है कि राज ठाकरे के भाषण की जांच होगी और उत्तेजक पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने जो स्पीच दिया था उसकी जांच की जाएगी और उसमें कुछ आक्षेपार्य है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पुणे के दो पुलिस थानों में एमएनएस के कार्यकर्ताओं को भड़काने के आरोप में राज ठाकरे के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। राज ठाकरे के जिस भाषण पर एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने टोल नाकों पर कोहराम मचाया, उस भाषण को आप भी सुनिए और सोचिए कि महाराष्ट्र में विपक्ष की पार्टी का मुखिया कितनी अलोकतांत्रिक बातें करता है। तोड़फोड़ का ये सारा खेल सियासी स्वार्थ से प्रेरित है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले शिवसेना ने की। अब कमान एमएनएस के हाथों में है। एक दिन बाद पार्टी ये तय करेगी कि टोल नाकों के विरोध की ये मुहिम किस रास्ते चले और सरकार ये तय करेगी कि नए पुराने हिसाब के साथ आगे इसे कैसे रोका जाए। पुणे से पंकज खेलकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मुंबई की आदर्श सोसाइटी एक बार फिर खबरों में है। सोसाइटी के सदस्यों ने भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। उनका आरोप है कि रक्षा मंत्रालय जानबूझकर सोसाइटी की जमीन के मालिकाना हक की जानकारी नहीं दे रहा। दक्षिण मुंबई स्थित आदर्श इमारत को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आदर्श सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि आदर्श कमीशन की रिपोर्ट में आदर्श की जमीन को राज्य सरकार का बताया गया है, यानी आदर्श का निर्माण कारगिल के शहीदों के लिए नहीं हुआ था। अपनी बात पर मुहर लगवाने के लिए आदर्श के सदस्यों ने रक्षा मंत्रालय में एक आरटीआई डाली थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि आदर्श की जमीन पर किसका मालिकाना हक है, पर जवाब अभी तक नहीं मिला। सोसाइटी के सदस्यों का आरोप है कि मंत्रालय जानबूझकर जानकारी छुपा रहा है। We filed a case in the Delhi High Court. There also they have not filed a single reply, even one line reply saying that yes, this is the document we have got. Then we filed a notice of motion in the title suit in Bombay High Court. There also they have not filed anything. आदर्श सोसाइटी पर राज्य सरकार का मालिकाना हक है, अपने इस दावे को साबित करने के लिए आदर्श के सदस्य कुछ दस्तावेजों का सहारा ले रहे हैं। मई 2010 में लिखे खत में डिफेंस एस्टेट ऑफिस ने कहा था कि आदर्श की जमीन राज्य सरकार की है। रक्षा मंत्रालय पहले एक आरटीआई के जवाब में कह चुका है कि कोलाबा डिवीजन का छठा ब्लॉक राज्य सरकार का है, इसी ब्लॉक में आदर्श इमारत है। सोसाइटी के सदस्यों ने रक्षा मंत्री एके एंटनी को एक खत भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आरटीआई के जरिए उनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया तो वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। And for truth, if you have to sit on dharna and hunger strike, we are prepared to do it. We have given them 30 days time, and if they don't give us, we'll do that. हालांकि राज्य सरकार ने आदर्श कमीशन की रिपोर्ट तो आधे अधूरे तौर पर स्वीकार की है, लेकिन सरकार ने अवैध रूप से हुए आवंटनों की जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है, पर आदर्श के सदस्य जमीन के मालिकाना हक को लेकर लड़ रहे हैं। उनकी नजर में सारे फसाद की जड़ यही है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। सीएसटी से बेलापुर जा रही लोकल के महिला कंपार्टमेंट में एक नवजात बच्चा मिला है। बच्चा एक बैग के अंदर था। बैग लोकल में सामान बेचने वाले एक लड़के के हाथ लग गया।
वो चोरी के इरादे से बैग को लेकर उतरा, लेकिन बैग में बच्चा देखकर वहां से भागने लगा। पुलिस ने इस मामले में अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। मुंबई के कोयला रेलवे स्टेशन पर सोमवार शाम अफरा तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से खबर आई कि एक बैग के अंदर बच्चा मिला है। हर कोई उस मासूम बच्चे की झलक पाने के लिए जूझ रहा था। पुलिस के मुताबिक लोकल में नेल पॉलिश बेचने वाले एक लड़के को मुंबई सीएसटी से बेलापुर जाने वाली लोकल के महिला डिब्बे में ये काले रंग का बैग मिला था। वो लड़का चोरी के इरादे से बैग लेकर ट्रेन से नीचे उतर गया। जब कोल्ला के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर उसने बैग खोला तो उसमें बच्चा देखकर वो डर गया और बैग यहीं छोड़कर भाग गया। इस पूरी घटना को प्लेटफॉर्म पर खड़ा टीटी देख रहा था, उसने फौरन रेलवे पुलिस बुला ली। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जब बैग खोला तो उसके अंदर करीब 15 दिनों का बच्चा मुस्कुरा रहा था। बच्चे को कोल्ला के भाभा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। पुलिस ने बच्चे को डोंगरी के एक शिशु केंद्र में रखा है। वो बच्चे को उसके पालकों ने छोड़ दिया है। इस सिलसिले में हमने केस रजिस्टर कर दिया है और तहकीकात जारी है। और जो लड़के के पास बच्चा मिला है, जिसको लेडी डब्बे में मिला था, उसके पास भी इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे को महिला डिब्बे के अंदर कौन छोड़ कर गया। इसकी जांच भी की जा रही है कि कहीं नेल पॉलिश बेचने वाला वो लड़का ही तो बच्चे को चुरा कर नहीं लाया था। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।